हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल शुरू होने से दो दिन पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी क्यों छोड़ दी। आईपीएल के 15वें सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का बड़ा फैसला लेते हुए रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंप दी है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे मजबूत और सफल टीमों में से एक है। महेंद्र सिंह धोनी 14 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े रहे और चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। ये सब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के रहते हुए ही संभव हो पाया है। अब उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा कप्तान बनाए गए हैं। हालांकि धोनी अब बतौर विकेटकीपर और बल्लेबाज खेलते रहेंगे और साथ ही साथ लीडर की भूमिका में तब तक बने रहेंगे जब तक कि वह आईपीएल सीजन को पूरा नहीं खेल लेते। जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनने के बाद अपने पहले बयान में कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक बड़े खिलाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है जिसे भरना बिल्कुल आसान नहीं होगा। माही भाई ने कप्तान के रूप में जो विरासत खड़ी की है, मुझे उसे आगे बढ़ाना है। रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए अपने दम पर कई मैच जिताए हैं। वह कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बल्लेबाजी में माहिर हैं। जडेजा चंद गेंदों में ही मैच का रुख पलट देते हैं। वे निचले क्रम की शानदार बल्लेबाजी के लिए भी फेमस हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 15 में अपना पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी। इस मैच के शुरू होने में अब कुछ ही घंटे का समय रह गया है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी आखिरी ट्रेनिंग को ख़त्म करने में बिजी हैं। इसी ट्रेनिंग का एक वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें धोनी और रविंद्र जडेजा प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि रविंद्र जडेजा की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स कितनी बेहतर टीम साबित होगी। और इसके पीछे अब हम बात करेंगे इसके पीछे धोनी के कप्तानी के छोड़ने के पीछे ये मुख्य 3 वजह हो सकती हैं। धोनी का यह आखिरी आईपीएल है। संभव है कि चेन्नई सुपर किंग्स उनसे चाहता हो कि वह आईपीएल को अलविदा कहने से पहले भविष्य का कप्तान तैयार करें, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया हो। एक वजह यह भी हो सकती है कि पिछले सीजन बतौर बल्लेबाज पूरी तरह वह फ्लॉप रहे थे। बल्लेबाजी पर फोकस रखने के लिए उन्होंने कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया हो। दूसरा यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान रविंद्र जडेजा को इसलिए चुना गया हो कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास धोनी के विकल्प के रूप में जडेजा से बेहतर और कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आता। पिछले सीजन में रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 विकेटों के साथ 75 के बैटिंग एवरेज से रन बनाए थे। वह आईपीएल के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो 2000 से ज़्यादा रन और 100 से ज़्यादा विकेट चटका चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का विचार ड्वेन ब्रावो को भी कप्तानी सौंपने का भी था, लेकिन ब्रावो फिलहाल जडेजा के स्तर के खिलाड़ी नहीं रहे हैं। वे अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऐसे में जडेजा ही कप्तानी का एकमात्र विकल्प बचे थे, तो इसलिए रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंपी गई है। और शुक्रिया दोस्तों, आईपीएल से जुड़ी अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी अपडेट